रोहतास जिले के सांसद छेदी पासवान जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं। पासवान साहब, ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि रोहतास जिले में जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या है? ना, ऐसी बात नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनाने में विलम्ब हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप अगर सासाराम की बात करें तो सासाराम में जेडीयू को दिया गया टिकट, जबकि जवाहर जी यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो नाराज भी है। नहीं, कल तो बैठक में आए हुए थे जवाहर प्रसाद जी, कल बैठक में आए हुए थे, हर्षद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की है। देखिए, अब उसमें लेकिन प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कम समय से करेंगे, प्रचार करेंगे। आपका जो है, आप वो भतीजा लड़ रहा है लोक जनशक्ति पार्टी से, आपके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि ललन पासवान के साथ आपकी बनती नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भतीजा हमसे अलग हो गया है, हमारे साथ नहीं रहता है, भाई का लड़का है, मेरा लड़का नहीं है। और लड़का भी होता तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है और हर आदमी को अपना अधिकार है। जब प्रौढ़ हो गया तो कुछ भी कर सकता है। अब हम उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मतभेद तो नहीं करेंगे, लेकिन भाई का लड़का है, भतीजा है, जरूर भतीजा है, लेकिन वो अलग रहता है, हम अलग रहते हैं। ललन पासवान के समर्थक कह रहे हैं कि आप उनका विरोध कर रहे हैं अंदर खाते अपने भतीजे के साथ में। कोई एक साबित कर दे, हमको साबित कर दे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक शब्द आज तक किसी के पक्ष में ना बोलने गए हम। लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि आपकी बी टीम है, आपके भतीजे भी उस पार्टी से लड़ रहे हैं इलेक्शन। यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार के सामने वो अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, एनडीए के साथ यदि वो आदमी लोजपा के लोग रहते तो निश्चित रूप से मजबूत रहते हैं। इससे एनडीए से अलग होने के बाद, भाजपा से अलग होने के बाद उनकी स्थिति खराब हुई है, खराब हुई है, निश्चित रूप से खराब हुई है, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। भाजपा से अलग रह करके राजनीत कर ही नहीं सकता है लोजपा के लोग, कोई वजूद नहीं है। तो आपने अपने भतीजे को समझाया नहीं कि तुम कह रहे हो? फिर वही बात, भतीजा हमारे साथ रहता नहीं है, वो अलग है, हम अलग हैं। अच्छा। तो हम उससे क्या बात करें? रामेश्वर चौरसिया जी से आपकी बात हुई? मतलब आपने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की कि आप पार्टी मत छोड़ो? ना, पार्टी रामेश्वर चौरसिया को पार्टी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। बड़े बड़े देश के पार्टी के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, प्रचारक के रूप में काम किए हैं, यूपी में काम किए हैं, दिल्ली में काम किए हैं, उनको तो पार्टी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। पार्टी छोड़े हैं तो गलत किए हैं।